ये SHO गोहाना सिटी निर्मल सिंह गांव वजीरपुरा के पंचायत को बुलाकर इनको कुछ जानकारियां दे रहे हैं कोरोना के बारे में कि कोई बाहर ना निकले। देखिए बोल रहे हैं कि लॉकडाउन को में आप घरों में रहें। ये देखिए सारी पंचायत के लोग जो हैं यहाँ पर खड़े हैं, मेंबर्स हैं सभी और सरपंच भी हैं। डिस्टेंस देकर इनको यहाँ पर खड़ा किया गया है, आप देख सकते हैं। ये आप की मुख्यमंत्री डिस्टेंस बनाकर यहाँ पर देखिए SHO निर्मल सिंह पंचायत को जागरूक करते हुए समझाते हुए सभी को कि घरों में रहें। आप एक जैसा मत बनो, अगर नहीं दे रहे तो तू बड़ा आदमी है। देखिए आप सारे भाईचारा से और बाहर का कोई बंदा नहीं आ रहा, बढ़िया गांव में बढ़िया और गांव में भाईचारा बनाकर वो ये जय आज के और ये व्हाट्सएप पे दिखा देते हैं, ये देखो ये कर दिया फलाने जगह अफवाह, इस टाइम की अफवाह वगैरह किसी बातों में ना आए। अपने गांव में सबसे भाईचारा बना कर रखे, छोटी मोटी बातें गाँव में कोई ज्यादा दिक्कत पैदा करे हमारे को पुलिस को सूचना दी, अपने छोटे बताओ मेरे को बता दो, जो बीमारी ऐसे कंट्रोल की ऐसे किया जा सकता है। भाई आप सहयोग करो पुलिस का और प्रशासन का, बैठे रहते हैं भाई, तुम भी गांव के हो तुम क्या बताओ गति है, नाम दे जो भी तुम्हारे गाड़ी देता है ना मेरे को बताओ, जो नहीं आता हम लिखवा देंगे। मैं SDM साहब से बात करूंगा, वो पंचायत के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ये टाइम विपरीत है, सबसे रिक्वेस्ट भी करो नहीं मानना तो नहीं मानना। लोगों को समझाते हुए SHO निर्मल सिंह जो नहीं मानते हैं उन पर क्रेडिट कार्ड के लिए सरपंच को गांव के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी बलजीत सिंह का नाम लिख दो ना मानता ना सर, पांच दस को उठवा दो एक दिन आप यहां से डेढ़ मरवा के पर्चा दर्ज करेंगे हम, तो ढूंढना नहीं है हालात में रखूंगा या गाड़ी चीजें बढ़िया रहेगा थोड़ी बात है जी, खेल लगा दे कुछ। इस बीमारी का इलाज पहला तो यही है कि दूसरे से दूरी बनाओ और मास्क लगा, मास्क नहीं तो सांप आके से। इस बीमारी का तो यही इलाज है, चलो गांव में तो चल जाता है कोई बात नहीं, मास्क इतना नहीं है, कपड़ा मुंह में डालो अलग अलग सा बैठ जाओ, आप कुर्सी ले लो, मैं कुर्सी नहीं बैठ जाओ, कुर्सी मिले कुर्सी बैठ जाओ। SHO निर्मल सिंह पहुँचे हैं गांव असनगढ़, ये लोगों से अपील करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जो ये कोरोना बीमारी है, कोरोना बीमारी के कारण सरकार की तरफ से लॉकडाउन किया गया, फिर भी कुछ गांव के लोग हैं शहर में जाते हैं बगैर कारण, सब्जी लेने आ जी धनिया लेने आ जी गाँव में तो छोटी बातें ये बहाने तो देखो ऐसा है जी कुछ बना लो, यू देश जब ही बचेगा जब हम छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे। आज से पहले पुलिस आई कभी, आज से पहले आदेश हो हारे कर हमारे, आपकी उम्र में मेरी तो उम्र होगी, आपसे आपकी उम्र में भी मतलब आपकी मेरे 55 के आसपास होगी, 64 की होगी, 64 की उम्र में आपने कभी ऐसे लॉकडाउन देखा था भाई, कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, रुकने मुश्किल हो जाए, मजबूरी है जी बाबूजी, ऐसा है मजबूरी, समझो इस चीज को, ये घर में मरीज आ गया ना सारा काम फैल जाएगी वो बीमारी, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज एक ही है भाई, एक कमरा में एक ही बंदा रहेगा, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन, क्वारंटाइन में उसको अलग 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 कमरा रहेगा, अगर एक मरीज है ना उसके लिए अलग एक कमरा होगा, दूसरा मरीज है कितने घर बनाएंगे हम, कितने हॉस्पिटल खोलेंगे, इसका तो एक है मोदी साहब सरकार का आदेश एक है सभी अपने घर मरे, टीवी में भी देखते हो आप, अखबार में भी देखते हैं और ये मोबाइल में भी देखते हैं, दिखाओ बेटा इधर दिखाओ सर, दिखाओ एक बार
वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे भाई तुम दो। देखो कितने बच्चों ने पेंटिंग बनाई है। गांव में आए थे तो क्या संदेश दिया है? गांव के जो जुम्मेवार आदमी है, पीसी पीस कमेटी के मेंबर हैं, इनसे रिक्वेस्ट की है जी, एक तो गांव में ठीक रिपेयर लगाएं जी, एक आप अपने गांव में जो भी शहर में जाते हैं बगैर कारण शहर में ना जाएं, अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। और जो सरकार गांव में ये भी बोला है, अगर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है पुलिस को सूचना दें। गांव में भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है।